लुम्बिनी मंदिर के अंदर जब पहुंचेंगे तो ऐसे ही शानदार नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यह नज़ारा लुम्बिनी अंदर 1 किलोमीटर जब जाएंगे तब आपको यह सीन देखने को मिलेगा। यहाँ शानदार प्लेस है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। आपके पास अगर साइकिल हो तो और बेहतरीन घूमने का मज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर तक आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। अगर बाइक और साइकिल हो जाए तो घूमने में बहुत ही आनंद मिल जाएगा। और इस आगे जाएंगे तो आपको एक हेलीपैड दिखेगा, वहाँ पर काठमांडू के लिए हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े लोग काठमांडू के लिए रवाना होते हैं, और हेलीपैड के बगल में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट रहती है, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और देख रहे हैं आप कितना बड़ा बड़ा गुंबद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं और इंडिया के ही तरह आपको सब नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। और यहाँ पर सामान कुछ इंडिया से महंगे ही मिलेंगे, और रोड काफ़ी यहाँ अंदर कुछ ख़राब भी सा है, क्योंकि अंदर पड़ जा रहा है इसीलिए रोड ख़राब। पोखरा, कितना शानदार पोखरा जो गोला आकार में है, और बहुत ही बेहतरीन पानी दिख रही है, आप इसमें नहा भी सकते हैं। और बगल में सब पर्यटक सब लोग नज़ारे ले रहे हैं। वहाँ देखिए एक JCP चल रहा था और कुछ लोग कैमरा कैप्चर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार सीन दिख रहा है। अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो काफ़ी आनंद मिलेगा आपको। और देख सकते हैं मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है, और साइकिल से काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं टेम्पो से भी यहाँ लोग घूम रहे हैं। टेम्पो का भाड़ा थोड़ा ज़्यादा है, इंडिया में 10 रुपये में आपको 1 किलोमीटर ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसी का 30-40 रुपये ले लेंगे। अगर जूम करें तो हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा होगा, आप अगर बारीकी से देखेंगे तभी हेलीकॉप्टर को देख पाएंगे। ये देखिए गुम्बद यहाँ पर है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, और यहाँ एक मूर्ति है जो आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आप हेलीकॉप्टर दिख रहा है, काफ़ी जूम करने के बाद दिखा है, 10x तक जूम किए हैं तब जाकर दिखा हेलीकॉप्टर। देख सकते हैं कितना ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। एक बार यहाँ लुम्बिनी में ज़रूर आएँ और यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। अब देखिए यहाँ पानी का सीन सब आ जाएगा। देखो टायर
छोटा मकान है सारा, पूरा मकान में देखा तो बंगला, पूरा बंगला है वहाँ का तो। फोटो निकालो रखने वाले थे।